हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास नाइन के चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स स्टार्ट करते हैं इसके कॉन्सेप्ट से हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू इंक्लाइंट प्लेन मिरर्स तो नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला होता है एन इक्वल्स टू थ्री डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा थीटा इधर है एंगल बिटवीन द इंक्लाइंड मिरर्स सो जब हम एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो एन की दो वैल्यूज पॉसिबल है या तो एन लेगा वैल्यू या एन की वैल्यू आएगी इवन या तो एन की वैल्यू ऑड आएगी या इवन आएगी सेकेंड हमें पता होना चाहिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दो सकती है पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दो सकती है या तो सिमेट्रिकली प्लेस होगा ऑब्जेक्ट या फिर ए सीमेट्रिकली होगा सिमेट्रिकली मीन्स अगर दो प्लेन मिरर्स है हमारे पास मैं कंसीडर कर रही हूं एंड इनके बीच का एंगल थीटा है तो अगर हम ऑब्जेक्ट कहीं पे भी प्लेस करें ऑन दी एंगल बायसेक्टर तो जो पोजीशन होगी ऑब्जेक्ट की वो सिमेट्रिकली कहलाएगी एंड ए सीमेट्रिकली मीन्स अगर हमारे पास दो इंक्लाइन मिरर्स है इंक्लाइन एट एन एंगल थीटा तो ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो बिटवीन द मिरर्स बट नॉट ऑन एंगल बायसेक्टर ऑब्जेक्ट कहीं पे भी प्लेस्ड हो बट नॉट ऑन एंगल बायसेक्टर उस पोजीशन को हम बोलते हैं एसिमेट्रिकल पोजीशन है तो पोजीशन पे डिपेंड करते हैं ऑब्जेक्ट की या तो ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल होगा या एसिमेट्रिकल प्लेस्ड होगा सिमेट्रिकल मीन्स एंगल बायसेक्टर पे प्लेस्ड होगा एसिमेट्रिकल मीन्स एनीवेयर एनीवेयर बिटवीन द मिरर्स अब एन की वैल्यू अगर ऑड है तो एक केस बनता है ऑब्जेक्ट सिमिट्रिकली प्लेसड है दैट इज ऑन एंगल बाइसेक्ट ऑन एंगल बायसेक्टर अगर एंगल 60 डिग्री है तो उसका एंगल बाइसेक्टर होगा 30 डिग्री इस केस में जो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होगी वो एन की जो भी वैल्यू है उससे वन लेस होगी तो नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल हो जाएगी एन माइनस वन नंबर ऑफ इमेजेस सेकेंड केस बनता है ऑब्जेक्ट एसिमेट्रिकली प्लेस्ड प्लेस हो दैट इज एनी वेयर बिटवीन द मिरर्स उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल होंगी एन के नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल्स टू एन लेकिन अगर एन की वैल्यू इवन है तो ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस हो या फिर एसिमेट्रिकली प्लेस्ड हो ऑफ इमेजेस नंबर ऑफ इमेजेस इन बोथ केस इक्वल होगी एन माइनस वन चाहे सिमेट्रिकली प्लेस्ड हो चाहे एसीमेट्रिकली प्लेस्ड हो तो एक और मैं बता देती हूं सबसे पहले एन फाइंड आउट करना है एन की वैल्यू ऑड हो सकती है या फिर इवन अगर ऑड वैल्यू है और गिवन नहीं है ऑब्जेक्ट कैसे प्लेस्ड है तो हमारा आंसर क्या होता है उस केस में तो एन होता है लेकिन गिवन है ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड है उस केस में हमारा नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल आएगा एन माइनस वन लेकिन अगर ए सीमेट्रिकली प्लेस्ड है ऑब्जेक्ट उस केस में हमारे नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल होंगी एन के सिमिलरली अगर एन की वैल्यू इवन आए उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस चाहे ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड हो चाहे एसिमेट्रिकली प्लेस्ड हो चाहे क्वेश्चन में मेंशन ना हो नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल होगा एन माइनस वन क्वेश्चन वन स्टेट द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन द टू प्लेन मिरर्स फॉर्म्ड इन ईच केस वेन द मिरर्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ फर्स्ट 90 डिग्री एंड सेकेंड सिक्सटी डिग्री सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है वो कलेक्ट कर लेते हैं हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ इमेजेस इन ईच केस जब एंगल डेट इज थीटा इक्वल और 90 डिग्री फर्स्ट पार्ट करें मैं थीटा इक्वल है 90 डिग्री तो हमें एन पता है एन इक्वल होता है थ्री सिक्सटी डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा वैल्यू पुट करते हैं थीटा की एन इक्वल आएगा थ्री सिक्सटी डिग्री डिवाइडेड बाय नाइन्टी नाइन्टी फोर टाइम्स तो एन इक्वल आ रहा है फोर क्योंकि एन अब इवन आया है और इवन वाले केस में मैंने बताया था नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल होता है एन माइनस वन के वैल्यू ऑफ पुट कर रहे हैं इधर एन इक्वल है फोर फोर माइनस वन हमारा आंसर इक्वल आ रहा है थ्री सेकेंड पार्ट में थीटा इक्वल है सिक्सटी डिग्री अगेन एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एन इक्वल्स टू थ्री सिक्सटी डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा एन इक्वल्स टू थीटा की वैल्यू पुट करें थ्री सिक्सटी डिग्री डिवाइडेड बाय सिक्सटी डिग्री सिक्सटी सिक्स टाइम्स तो एन इक्वल आ रहा है सिक्स अगेन एन की वैल्यू इवन है तो नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल होता है इवन वाले केस में एन माइनस वन वैल्यू ऑफ एन पुट करते हैं एन इक्वल है सिक्स सिक्स माइनस वन तो नंबर ऑफ इमेजेस इस केस में इक्वल आ रहा है फाइव नेक्स्ट है क्वेश्चन टू एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फर्स्ट ए सीमेट्रिकली सेकेंड सिमेट्रिकली बिटवीन टू प्लेन मिरर्स इंक्लाइंट एट एन एंगल ऑफ फिफ्टी डिग्री फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्मड तो जो भी गिवन है क्वेश्चन में सबसे पहले वो लिख लेते हैं गिवन है पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट पहला है ए सिमेट्रिकलीमेट्रिकली मीन्स एनी वेयर बिट्वीन दिर बिटवीन द टू मिरर्स फर्दर हमें ठीटा गिवन है थीटा इक्वल है फिफ्टी डिग्री सबसे पहले एन फाइंड आउट करेंगे एन इक्वल होगा थ्री सिक्सटी डिग्री डिवाइडेड बाय फिफ्टी डिग्री कैंसिल करते हैं फाइव सेवन टाइम्स पॉइंट टू तो एन इक्वल आ रहा है सेवन पॉइंट टू राउंड ऑफ करके एन की वैल्यू इक्वल हो जाएगी सेवन जो कि एक और नंबर है तो इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस अगर एन की वैल्यू ऑड आ रही है और ऑब्जेक्ट एसिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल होती है एन के एन की वैल्यू थी सेवन तो नंबर ऑफ इमेजेस आएगी सेवन सेकेंड पार्ट सेकेंड पार्ट में ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड है सिमेट्रिकली मीन्स ऑब्जेक्ट पे प्लेस्ड है ऑन बाइसेक्टर ऑफ एंगल सो सबसे पहले हम एंड फाइंड आउट करेंगे इक्वल होगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा थीटा की वैल्यू अगेन 50 यूज करनी है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 50 अगेन हमारा आंसर इक्वल आएगा सेवन पॉइंट टू राउंड ऑफ करेंगे तो एन इक्वल आ जाएगा सेवन क्योंकि ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल होती है ऑन वाले केस में एन माइनस वन वैल्यू बुट करते हैं सेवन माइनस वन डैट इज सिक्स तो इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल आ रहे सिक्स